हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज सुबह से यहाँ पे हो रही है बारिश, तो मॉर्निंग वॉक तो मिस ही थी। खैर आज मैंने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली थी क्योंकि नीर के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसकी हेल्प करानी थी पढ़ाई में। और नीर की स्टार्ट होने वाली है ऑनलाइन डाउट क्लास। आलू प्याज सैंडविच खा लोगे? खा लोगे ना? दोपहर को आलू मटर खा लोगे? सॉरी आलू मटर नहीं, मटर पनीर। और फिर पढ़ाई करनी है सारा दिन जैसे मैं बोलूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुड फूड इज इक्वल टू गुड मूड, तो बस इसीलिए नीर की आज दोनों चीजें बन रही थी पसंद की। ब्रेकफास्ट में आलू प्याज सैंडविच विद चीज और साथ ही में लंच में मटर पनीर। अच्छी अच्छी चीजें खाओ और अच्छे से करो पढ़ाई। बच्चों को एग्जाम्स में पढ़ाई में एंगेज रखने के लिए और मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है पेरेंट्स को, और एक तो चीज़ है अच्छा अच्छा खाना बनाना। बच्चों को पढ़ाई में एंगेज करने के लिए आप क्या करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा लंच एंड ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया था और विनायक ने भी ऑफिस के लिए निकलना था, तो बस सब कुछ पैक किया और विनायक चल पड़े थे ऑफिस। लेकिन ऑफिस जाने से पहले सबसे पहले अच्छे से पैक कर लिया था अपना लैपटॉप बैग, क्योंकि बारिश हो रही थी, स्कूटी पे जाना था, तो बस लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। और नीर की भी बस शुरू होने वाली थी ऑनलाइन क्लास डाउट्स क्लियर करने के लिए। सर जी अब ना ये टीवी शीवी बंद कर दो, पापा भी ऑफिस चले गए, अब अपनी ना वो डाउट क्लास की तैयारी कर लो। डाउट्स हैं इंग्लिश में? नहीं, क्लास तो ज्वाइन करनी है। आज पूरा दिन नीर लगा रहा था पढ़ाई में और साथ में मैं भी बिजी थी उसको पढ़ाने में, और शाम को मौसम वापस से हो गया था बहुत बढ़िया। चश्मा उतारा जब मैंने कुछ अलग सा लगा मुझे। होता ही है ना, ऐसे एंगल चेंज होता है। चश्मा पहन के रखो मत उतारो बार बार। मतलब कोई नए ही वर्ल्ड में चला गया था मैं। कौन से वर्ल्ड में? एनिमल के वर्ल्ड में। भाई मैं ना वेट करूँ कब आप ये लर्न करोगे वर्ड मीनिंग और मुझे सुनाओ? कल ही पेपर है ना आपका कि डेट शीट चेंज हो गई है? पापा को सुनाओ। यही एक चीज है जिसको बोलने के बाद आप रिएक्ट करते हो क्योंकि आपको नहीं सुनाना। गाइस आपके पेपर कैसे चल रहे हैं? एक पेपर मेरा तो हो गया है, आपके कैसे पेपर चल रहे हैं? आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है बताना। मेरी तो अच्छी चल रही है, आप अपना बताओ। और ये भी बताना कि जितने जो आपने पिछली वीडियोस में देखा है वो सारा आपसे रिलेटेबल है या नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो हमारे घर में बहुत भगदड़ होती है, कुछ हर टाइम पढ़ाई हो रही है। पिछले बार तो फिर भी ऐसे नॉर्मल PT1 ही था, मैं हाफ ईयरली है, क्या करेंगे। मेरा अब कल एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है। और पहले तो बताओ कि मेरा फ्रेम कैसा लग रहा है? मेरा चश्मा टूट गया था तो मैंने नया चश्मा पहना था, वो जो एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था उतने नंबर का। कैसा लग रहा है मुझे आप बताना, आपके साथ ऐसा होता है नहीं? मेरी तो फर्स्ट क्लास टॉप क्लास तो पंजाबी प्रिपरेशन हो रही है, दाल मखनी वाले लच्छे पराठे बटर ऊपर से भर के वो वाली हो रही है प्रिपरेशन। और पर मेरे को डर लगने लग जाता है क्या होगा कि एग्जाम में कुछ हो ना जाए। साइंस के एग्जाम में एकदम अच्छी तैयारी हो रखी थी, इंग्लिश की तो इंग्लिश तो इजी सा सब्जेक्ट है, मैंने उसके 3 चैप्टर आते लिटरेचर में, 2 तो पहले कर रखे थे मैंने। मतलब मेरे को पता नहीं क्यों तो डर लगता है, आप बताना रिलेटेबल है या नहीं, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लगता है शायद मैं ही ऐसा बंदा हूँ जिसके साथ ऐसा होता है, आप बताना आपके साथ ऐसा होता है नहीं। तो ऐसे ही था आज का हमारा दिन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।